ऑल स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, बल्कि अभिभावकों के साथ ये विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि खुद मंत्री जगन्नाथ महतो स्कूल से आग्रह कर रहे थे कि लॉकडाउन अवधि की फीस अप्रैल से जून तक माफ होनी चाहिए, और जब इस पर उन्हें खुद निर्णय लेने का समय आया तो पलटी मार स्कूल के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, जो राज्य के लाखों अभिभावकों के साथ धोखा है। अजय राय की माने तो ये पूरा मामला वेटिंग फॉर सेटिंग का था, जिससे वे समझ नहीं सके और मंत्री पर विश्वास कर पिछले 3 महीनों से उनके निर्णय का इंतजार सभी अभिभावक करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि मालूम नहीं था कि इसमें कोई बड़ा डील होने वाला है, मगर हम सब इस पर अब चुपचाप नहीं बैठेंगे, पूरे राज्य के अंदर जन जागरण अभियान को लेकर आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के प्रति मिलने के उपरांत ही कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे कि अगली बैठक जो होगी वो तिरपक्षीय वार्ता होगी, और उसके लिए जो है हम लोग को ये पत्र देकर के बुलाया गया। और कल जब हम लोग मीटिंग के लिए गए तो वहां पर फिर उनके कार्यालय से बताया गया कि अभिभावकों के साथ मीटिंग अलग होगी और स्कूल के साथ अलग होगी। हम लोग का दिमाग उसी समय खनका कि आखिर इस तरह से क्यों, जो मंत्री जी ने खुद कहा था कि त्रिपक्षीय वार्ता होगी, तो इस तरह से फिर करने का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले भी इनको अपना जो गृहांश है उससे अवगत करा दिया था। और हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन अवधि की घोषणा आपने ही की थी मंत्री जी, कि लॉकडाउन अवधि का फीस जो है नहीं लगेगा, और इसको लेकर के लगातार आप मीडिया के माध्यम से अपील करते रहे थे, और अप्रैल मई जून ये बात लगातार आप बोल रहे थे कि 3 महीनों का जो है लॉकडाउन का फीस जमा नहीं करना है, अभिभावकों को ये संतावना आप दे रहे थे। और कल जब मीटिंग हुआ उसमें फिर आप फाइनल जो निर्णय लेते हैं वो ठीक उसके उल्टा लेते हैं और पूरा स्कूलों के पक्ष में लेते हैं, इसमें कहीं कोई जो पेरेंट्स है उसको रिलीफ तो मिल नहीं पाया। और जहां पर एनुअल चार्ज, मेंटेनेंस का चार्ज है, बिल्डिंग फंड है, कई तरह का, हमारे बच्चे अभी घर में है, आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा ले रहे हैं, ये सारी जो अलग अलग मद में जो पैसे लिए जा रहे हैं इस पर तो रोक लगानी थी आपको, लेकिन आपने वो कहीं कुछ नहीं किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मंत्री जी ने कंप्लीट अभिभावकों के भरोसे पर विश्वासघात किया है, उनके पीठ पर खंजर भोंका है, और इस चीज को लेकर के हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। जैसे ही मंत्री द्वारा जारी ऑर्डर हम लोग के पास में आता है, जो निर्देश है, जो ऑर्डर है हमारे पास में आता है, उसको देखने के उपरांत तत्काल हम लोग हाईकोर्ट की ओर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।